जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फास्टर एंड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर अलोन। यानी कि हमें पूरी आर्थिक अगर डेवलपमेंट करना है देश का, तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अकेले नहीं कर सकता, ठीक है। हैंस द पब्लिक सेक्टर हैज़ टू प्ले अ की रोल टू एकम्प्लिश क्विक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल थ्रू डेवलपिंग की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, डिफेंस इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए पब्लिक सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने पड़ता है। कैसे? फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, डिफेंस इंडस्ट्रीज, ये सब हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करती हैं, ठीक है। इन अवर कंट्री द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वॉज इन अकॉर्डेंस विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 एंड 1956 एंड एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ अवर फाइव ईयर इकोनॉमिक प्लान्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन बी स्टेटेड एज। तो हमारी कंट्री के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है वो हुआ ही इसलिए, मतलब पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड इसलिए करा गया है ताकि और इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने के लिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है उसको देखते हुए काम किया जाता है, जो कि हमारा एक्चुअली 5 साल का इकोनॉमिक प्लान को बनाती है। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जो भी इनकम हो रही है देश की और जो भी पैसा है, जो भी वेल्थ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी के साथ करना, ठीक है, पहला काम। दूसरा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब ऐसा नहीं कि एक जगह तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल दी और एक जगह इंडस्ट्रीज ही नहीं है। अब अगर इंडस्ट्री कुछ जगह जहाँ पे है वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट बहुत है, और कुछ जगह इंडस्ट्रीज नहीं है, या कुछ सिटीज़ में या कहीं पे कोई एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक्चुअली इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है, कि ऐसी जगह खोली जाए जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिले। साथ में इंडस्ट्रीज़ हर जगह भी नहीं खोली जाती, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ओपन करने के कुछ बायलॉज भी होते हैं, तो उनको फॉलो किया जा सके। एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, यानी कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ठीक है। स्पीडी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विदाउट द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। देखिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक और बहुत बड़ा एम होता है, वो ये होता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्पीड मिले और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द नेशन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल स्किल्स सो दैट इन ड्यू कोर्स आवर कंट्री नीड नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन कोलैबोरेशन इन कैपिटल टेक्नोलॉजी स्किल्स एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स स्टेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक कॉरपोरेशंस। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक और मोटिव होता है, वो ये होता है कि हम नेशन सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, मतलब नेशन को हर चीज़ के लिए, यानी देश को हर चीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड ना रहना पड़े, डिपेंडेंसी कम से कम हो। अगर हम अपने देश में अच्छी इंडस्ट्रीज़ लगा लेंगे और ऐसे सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग होने लग जाएगी जो कि हम बाहर से लेते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ पे कम हो जाएगी अपने आप। अगर हम किसी और कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर हमने उसकी सेटअप यहीं पे कर लिया अपनी कंट्री में, तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई, ठीक है। तो ये सब मोटिव्स हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के। अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यानी स्टेट ओनरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे।
देखिए, प्राइवेट ओनरशिप कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कैपिटलिस्ट. दीज डोमिनेट मोटिवेट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट हैज लेड टू इकोनॉमिक अनबैलेंस्ड एंड निगलेक्ट ऑफ द वेलबींग ऑफ वर्कर्स एंड वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज अ होल. द एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटलिस्ट इंक्रीज द गैप बिटवीन रिचर एंड पुअर. द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप नेसेसिटेड द स्टेट्स पार्टिसिपेशन इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फील्ड. तो इसमें ये कहा है कि जो प्राइवेट ओनरशिप के जो भी हमारे बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जितना भी पैसा होता है वो कुछ कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है. मतलब कि अगर चार पांच लोगों ने पैसा लगाया तो सारी पावर उनके हाथ में आ गई. अब वो क्या करते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और साथ में उनको किसी भी तरह का फेवर भी नहीं देते, या फिर उनको जितना काम के अकॉर्डिंग जितनी वेजेस मिलनी चाहिए यानी वो तक नहीं देते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, गैप क्रिएट कर देता है रिचर और पुअर के बीच में, यानी गरीब और अमीर के बीच में गैप क्रिएट कर देता है. क्योंकि अगर मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा लगाया, लोगों से काम लिया और उनसे इतना डबल काम लिया कि उनको तो लगा ही नहीं कि हमने कुछ किया है या फिर हमें कोई बेनिफिट भी मिल रहा है हमारे काम का. ठीक है, तो ये क्या करता है, एक गैप क्रिएट कर देता है. द स्टेट ओनरशिप आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओन्ड मैनेज्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा. देखिए, अब जो ये स्टेट एंटरप्राइजेज होती है जिसे स्टेट ओनरशिप भी बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज रन करती हैं. ठीक है, मतलब अगर आपको ये सुनने में कहीं ना कहीं शायद आपने, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो भी बिजनेस को रन करती है. यस, गवर्नमेंट भी बिजनेस को रन करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस. ओके, तो ये कौन संभालता है, ये लोकल बॉडीज संभालती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपलिटी हुई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुए, ये सब संभालती है. दिस इज़ जनरली डन इन द केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, बस, रेलवेज, नेविगेशन एक्सेट्रा. तो जैसे भी आपने देखा होगा कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जैसे गैस सर्विस है, अब गैस सर्विस प्रोवाइड करना एक बिजनेस है, ठीक है, पर इसे कंट्रोल कौन करेगी, गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई, अब इलेक्ट्रिसिटी भी बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी भी कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट. कोई भी आपसे कोई भी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं दे सकता, इसका पूरा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के हाथों में. ठीक है, द रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर कम्प्लीटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब जैसे अगर आप देखें रेलवे, पोस्ट, कभी भी इसके पैसे कोई भी कहीं से भी आप कराएंगे ना तो मन चाहे कोई नहीं ले सकता, ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है. ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे ओन कर रखा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रन कर रही है. सम अदर इंडस्ट्री सच एज शिप बिल्डिंग, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रेलवे, इंजन मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा ओन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब जो और इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, या जहाँ पे रेलवे के इंजन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अब ये कुछ तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. ठीक है, अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज में भी दो तरह की कंपनीज आ जाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं या कौन कौन से बिजनेस हैं जिसे गवर्नमेंट रन कर रही है और कौन कौन से बिजनेस है जो कि फुली प्राइवेट है. ठीक है, तो ये इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है एंटरप्राइजेस का. द गवर्नमेंट आइदर स्टार्ट्स और नेशनलाइज सर्टेन इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट इकोनॉमिक इंबैलेंस इन द नेशन. द सोशल बेनिफिट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस व्हाइल प्रॉफिट मोटिव इज गिवन अ सेकेंडरी कंसिडरेशन. देखिए, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है या नेशनलाइज की है कुछ इंडस्ट्रीज़ को ताकि इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे नेशन के अंदर. ठीक है,
और इसका जो बेनिफिट है वो सोशल मतलब सामाजिक बेनिफिट है, ये गवर्नमेंट की हमेशा पहली प्रायोरिटी रहती है, और प्रॉफिट इससे कितना हो रहा है ये दूसरी प्रायोरिटी रहती है। क्लियर? मतलब वो प्रॉफिट को प्राइमरी नहीं कह सकता। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे स्टेट एंटरप्राइजेज या स्टेट ओनरशिप होती है उसके एडवांटेजेस क्या हैं? प्रॉफिट गो टू द गवर्नमेंट एंड आर यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट कैन बी लिबरली फाइनेंस्ड फ्रॉम द इंक्रीज्ड रिसोर्सेज। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, अगर आप देखें कि जो भी इससे प्रॉफिट होगा, ये जो एंटरप्राइजेज हैं इनसे जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट इसका क्या करेगी? गवर्नमेंट सोसाइटी के फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करेगी, ठीक है, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी फिनेंस कर सकती है। प्योरिटी ऑफ सप्लाई इज गारंटेड, देर इज़ नो इंसेंटिव फॉर एडल्ट्रेशन फॉर अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एज देर इज़ फॉर प्राइवेट बिजनेस। देखिए जो स्टेट एंटरप्राइजेस होती हैं उस पर आप बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें प्योरिटी की गारंटी देती है। इसका रीज़न ये है कि अगर वो किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन करेंगे तो ऐसा तो नहीं है उनको बोनस मिल रहा है। अगर उन्होंने कह दिया कि गैस 14 केजी इतने का सिलेंडर इतने में ही जाएगा, तो वो ऊपर नीचे से कोई पैसा ऐड करके या कम करके ज़्यादा नहीं कमा सकते। इसका रीज़न है जब आपके पास गैस सिलेंडर आता है आप उसको चेक कर सकते, एक मेजरमेंट होता है उसका, अगर आप बिना चेक करके लेते हैं तो फिर ये आपकी फॉल्ट है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है कि आप चेक करिए, केजी चेक करिए और फिर लीजिए सिलेंडर। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई कुछ भी ऊपर नीचे किलोग्राम होते हैं तो आप कह सकते हैं गैस सर्विस वाले को कि भाई तुम लेके चले जाओ, ठीक है। द बेस्ट टैलेंट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गवर्नमेंट सर्विस। द गवर्नमेंट कैन देयरफॉर एंगेज सुपीरियर स्टाफ, द बिजनेस देयरफॉर विल रन बेटर। अब क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, गवर्नमेंट में जो भी टैलेंट आता है वो बेस्ट आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उनको एंगेज करती है इन सब कामों में कि आप ये एंटरप्राइजेस चलाओ और काम और अच्छे से होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू वेट लॉन्ग फॉर एन एंटरप्राइज टू यील्ड प्रॉफिट। बिग बिजनेस वेंचर्स लाइक आयरन एंड स्टील वर्क्स, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, डिफेंस प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड। कंज्यूमर इंटरेस्ट आर प्रॉपरली सेफगार्ड, कंज्यूमर को इन एंटरप्राइजेज में कोई नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट एंटरप्राइज इज सब्जेक्ट टू ग्रेटर कंट्रोल, पब्लिक कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड फॉर टू लॉन्ग। इसमें पब्लिक का किसी भी तरह का शोषण नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उनसे पैसा लिया जा रहा है और उन्हें प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें स्टेट एंटरप्राइजेज के केस में नहीं होती। ओके तो ये है स्टेट हम ओनरशिप की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर इस तरीके का कुछ भी नहीं होता, इसमें जो भी किया जाता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए किया जाता है। अब हम एक नज़र डिसएडवांटेजेस पे डालते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये मैं आपके लिए फटाफट रीड करूँगी, आप बिल्कुल क्लियर है आपको, अगर आपको ये समझ में आ गया कि स्टेट एंटरप्राइज क्या है। स्टेट एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होती है जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, ये आपको बेसिक सर्विसेज देती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक सर्विसेज, गैस सर्विस और जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब बेसिक सर्विसेज देती है, बस रेलवे, ठीक है, जिसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रख रखा है, पब्लिक के पास नहीं रख रखा। जैसे एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस आजकल, अब एयरलाइंस में कौन एंटर हो गया है? प्राइवेट। तो आप देख सकते हैं एयरलाइन में कहीं ना कहीं, आप कभी अगर आपने प्लेन से ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा कि जो सीट्स हैं प्लेन की वो प्राइसेस उसके हाई होते रहते हैं अगर आपको कल की चाहिए तो, और यही आप 10 दिन पहले की लेंगे तो रेट में बहुत डिफरेंस होगा। ये क्यों है? ये प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। प्राइवेट का जो मन होता है वही पैसा वो डिमांड करते हैं कस्टमर से, किसी ओकेजन पे बढ़ा देते हैं, और अगर ओकेजन नहीं होता उस टाइम कोई रश नहीं होता तो कम कर देते हैं, ठीक है। जबकि आप रेलवे के अंदर देखेंगे कभी ऐसा नहीं होता। अगर रेलवे में सपोज़ कीजिए ट्रेन है शताब्दी, उसकी टिकट आप आज कराइए या 20 दिन बाद कराइए, आपको रेट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, उसका अमाउंट फिक्स है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए ये है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसर बिहेव्स लाइक अ बिग बॉस एंड अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन रिसीव्स नो कर्टसी। द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नॉट द सेम इंसेंटिव टू डू द बेस्ट एज अ मैन इन प्राइवेट सर्विस। इन गवर्नमेंट सर्विस प्रमोशन इज बाई सीनियोरिटी एंड नॉट बाई मैरिट, देयरफॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स डू नॉट वर्क हार्ड। अब ये इसमें डिसएडवांटेजेस खुद ही बता रखे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसमें वो बिग बॉस, वो बॉस की तरह बिहेव करता है, तो कई बार सिटीजन्स को ढंग से ट्रीट नहीं करता। सेकेंड उसमें बोल रखे हैं कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्क हार्ड नहीं करते, अपनी जॉब को अच्छे से नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि उनके प्रमोशंस फिक्स हैं, किसी मैरिट पे नहीं मिलते, उन्हें सीनियोरिटी पे मिलते हैं। ठीक है, अब थर्ड है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर हार्मफुल टू द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज। देखिए इसमें ये बोल रखा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है उसके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब जब ट्रांसफ़र होते रहेंगे तो क्या होगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, वो काम समझेगा फिर शुरू करेगा, जैसे उसको काम समझने आने लगेगा उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, वर्किंग बहुत इफेक्ट होती है। ठीक है, और देर इज़ नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और पॉलिसी में वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ठीक है, द गवर्नमेंट बिजनेस इज ऑल रूटीन एंड देर इज़ अ लिटल इनिशिएटिव। जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसमें एक रूटीन में चलता है वो, उसमें कोई छोटे छोटे इनिशिएटिव कोई लेता नहीं है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज, और छोटे इनिशिएटिव भी ले लेता है पर बहुत बड़े इनिशिएटिव नहीं लेता। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज देयरफॉर स्लो। अब जैसे कि प्रोसेस बन गया है गवर्नमेंट बिजनेस को चलाने का, तो सब उसको ही फॉलो करेंगे, कोई ये नहीं सोचेगा कि नहीं हम इसको ऐसे कर लेते तो हमें ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी होगा। ये इनिशिएटिव बहुत कम होते हैं। There is a little check on extravagances and inefficiency. There are no shareholders to question the director in the annual meeting. अब इसमें जो भी director होता है उनको कोई question करने वाला नहीं होता। अगर बहुत, अगर आप 10% 20% ज़्यादा extra amount खर्च करते हैं तो कोई देखता भी नहीं है, but हाँ अगर आप 80% खर्च कर रहे हैं तो कोई investigation हो सकती है, जो कि लोगों को पता होता है कि इतनी investigation, इतने amount extra खर्च करने पर investigation हो जाएगी। ठीक है, there is a little check on in underdeveloped countries the public sector yani state enterprise has to play an increasingly expanding role. It has a special role to play in creating an infrastructure of social overhead capital like means of transport, communication, etc. dekhiye jo underdeveloped countries hain, theek hai, उसमें जो पब्लिक सेक्टर है या स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उनका इवन एक स्पेशल रोल होता है इंफ्रा को क्रिएट करने का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने का, ट्रांसपोर्ट को लेके आगे काम करने का, कम्युनिकेशन को लेके आगे काम करने का। इसमें स्टेट एंटरप्राइजेस की का बड़ा रोल होता है। ठीक है, These projects need huge capital, but since they are not productive in the narrow sense, private sector is not attracted to them. But they are of vital importance to the development of economy, hence they have to be undertaken by the state. Therefore, state enterprises assume special importance in an underdeveloped or developing economy. देखिए, ये जो sectors हैं, जो कि मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है प्राइवेट सेक्टर कई बार बहुत कम इंटरेस्ट लेता है। अब तो ठीक है प्राइवेट सेक्टर हर जगह आ गया, इसका रीज़न ये है कि इनकी इतनी इम्पोर्टेंस उनको नहीं लगती, लगता है कि इसमें ज़्यादा बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, स्टेट एंटरप्राइजेज, और स्टेट एंटरप्राइजेज को इसको इफ़ेक्टिव वे में भी देखना पड़ता है कि जो आर्थिक स्थिति है देश की उसको सुधारी जा सके, इस तरीके से उन्हें काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम, अब हमने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में पहले पढ़ा स्टेट एंटरप्राइजेस, जिसे आप स्टेट एंटरप्राइजेस हम कह रहे हैं, और आप पब्लिक सेक्टर भी कह रहे हैं सर। ठीक है,
स्टेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन एक बॉडी है जो क्रिएट होती है बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट विद इट्स पावर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज डिफाइंड इन द रिटन लॉ। देखिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकेंड पार्ट है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन, और इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेट एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक कॉरपोरेशन वो बॉडी है जो कि लॉ ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट करता है, यानी पार्लियामेंट का एक कानून क्रिएट करता है, ठीक है। साथ में इसकी पावर्स, ड्यूटीज़ और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो सब लिखा हुआ है लॉ के अंदर। पब्लिक कॉरपोरेशन ट्राई टू कंबाइन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी एंड द ऑटोनॉमस मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। दीज कॉरपोरेशन हैव नो प्रॉफिट मोटिव एंड वर्क फॉर द सेक ऑफ सोशल वेलफेयर। अब पहली बात, पब्लिक कॉरपोरेशन को कौन क्रिएट करता है? पार्लियामेंट का लॉ। सेकेंड, पब्लिक कॉरपोरेशन क्या करती है? गवर्नमेंट बॉडी का जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है और जो ऑटोनॉमस मैनेजमेंट होता है पब्लिक सेक्टर का, दोनों को कंबाइन करती है, ठीक है। अब इस कॉरपोरेशन का भी कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ये भी सामाजिक बेनिफिट के लिए काम करती है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन की? देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द सेपरेट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट आइदर सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज, ठीक है। गवर्नमेंट इसे ओन करती है, यानी गवर्नमेंट इसकी मालिक होती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है, चाहे तो स्टेट, सेंट्रल या लोकल बॉडीज, ठीक है। इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है और वो डायरेक्टर्स ही इस पूरी कॉरपोरेशन को मैनेज करते हैं। इट इन्जॉयज कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी एंड इज फ्री फ्रॉम पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल कंट्रोल इन द इंटरनल एंड रूटीन मैनेजमेंट। इसको इसके पास पब्लिक कॉरपोरेशन के पास अपनी खुद की सारी पावर्स होती हैं, ठीक है, इस पर पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं रहता। इट इन्जॉयज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड कैन रेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिपेंडेंटली। इट हैज़ नॉट टू डिपेंड ऑन बजट अप्रोप्रिएशन। इट हैज़ बोरोइंग पावर। इट्स बॉन्ड इशू इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम को पब्लिक कॉरपोरेशन इन्जॉय करती है, यानी कि अगर कोई भी फाइनेंस का डिसीजन लेना है तो ये फ्री होते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर नॉट ट्रीटेड एज द सिविल सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। द कॉरपोरेशन इज एम्पावर्ड टू फॉलो इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इस कॉरपोरेशन में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको वैसे नहीं ट्रीट किया जाता जैसे कि सिविल सर्विसेज जो होते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनको ट्रीट किया जाता है। इनकी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं, ये खुद रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अपने आप ट्रांसफ़र करते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ द बेस्ट मैकेनिज्म थ्रू विच लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ऑटोनॉमी कंसिस्टेंट विद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एलिमिनेटिंग ब्यूरोक्रेसी। इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक सर्विस इनटू कम्युनिटी ओनरशिप। तो अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के, कि इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेरी बिग एंटरप्राइजेस। अगर बहुत बड़ी एंटरप्राइज है तो ही पब्लिक कॉरपोरेशन होनी चाहिए। वो इसको एक स्पेशल लेजिस्लेशन चाहिए होता है, यानी कि एक स्पेशल लॉ चाहिए होता है, कानून चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ठीक है। ये रिजिड फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ द कॉरपोरेशन आर नॉट ओनली ऑन पेपर्स, इन रियलिटी द मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ सच कॉरपोरेशन। देखिए जो कॉरपोरेशन की ऑटोनॉमी है कि कॉरपोरेशन इंडिविजुअल है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ये
ऑटोनॉमस है ये सिर्फ पेपर्स पे होता है, यानी थियोरिटिकली होता है, पर प्रैक्टिकली क्या होता है, पब्लिक कॉरपोरेशन अगर है तो मिनिस्टर्स भी इंटरफेयर करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी इंटरफेयर करते हैं इसमें, और पॉलिटिशियंस भी. पब्लिक कॉरपोरेशन पजेसेस मोनोपोली एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन दीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन देयर वर्किंग. पब्लिक कॉरपोरेशन एक मोनोटोनस काम करता है, मतलब कॉम्पिटिशन कम है तो वो ज़्यादा नई टेक्निक्स और इम्प्रूवमेंट वर्किंग में अपनी नहीं लाता. एट प्रेजेंट इंश्योरेंस, फिनेंस, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड इन मैनी कंट्रीज आर कैरिड ऑन थ्रू पब्लिक कॉरपोरेशन. तो अभी देश में जितने भी इंश्योरेंस हैं, फिनेंस है और बहुत सी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ये सब पब्लिक कॉरपोरेशन के थ्रू ही चल रही है. देखिए, अगर आप ये चीज़ समझेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ किस किस की एंटरप्राइजेज हैं, तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. हाँ, ये इस तरीके से रन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस सर्विस, ये स्टेट एंटरप्राइज है, यानी इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है. अब हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि पब्लिक कॉरपोरेशन के जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं उसमें क्या है, अच्छा, और स्टेट एंटरप्राइजेज का मैंने आपको बताया कि इसमें स्टेट एंटरप्राइजेज में ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही होते हैं, ठीक है, जबकि पब्लिक कॉरपोरेशन का अपना अलग एक प्रोसीजर होता है. वो अपने फॉर्म्स निकालते हैं, रिक्रूट करते हैं और फिर उनको अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र देते हैं, ठीक है. तो वो दे आर डिफरेंट, वो अलग सेक्टर हो गए हैं पब्लिक कॉरपोरेशन. जैसे कि एयर इंडिया, एयर इंडिया फ्लाइट्स में है, आपने नाम सुना होगा आराम से, FCI जिसे हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फिनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये सब क्या हैं, ये सब हैं पब्लिक, ये सब हैं आपके पब्लिक कॉरपोरेशन, ठीक है. जितनी भी हमने अभी इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं, ये सब है पब्लिक कॉरपोरेशन. तो ये हमारा आज का टॉपिक ओवर होता है. आज हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस, आज हमने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें स्टेट एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा है हमने, और पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में. ओके, थैंक यू.